तो विद्यार्थी मित्रों आज आपने पाठ पांच शब्द बनाओ मां आपने पेज नंबर 14 त्यार बाद पेज नंबर 15 अने पेज नंबर आपने 16 જોઈ ગયા આજે આપણે પેજ નંબર 17 જોઈશું તેમાં પણ કેટલાક શબ્દ બનાવવાના છે પઢો ઓર સમજો વાંચો અને સમજો નીચે આપેલા શબ્દો આપણે વાંચવાના છે અને સમજવાના છે નીચે આપણને ચિત્ર આપવામાં આવ્યા છે અને તેમાં આપણને શબ્દ આડાવડા આપવામાં આવ્યા છે તેને આપણે સાચા બનાવીને નીચે આપેલી લાઈનમાં લખવાના છે સૌ પ્રથમ જોઈએ लड़का फिर गाय इमली चूहा गोरैया पतंग एनक सूरज बकरी बंदर बगीचा और दवात ये सारे शब्द हैं। नीचे दिए हैं अक्षरों को उचित क्रम में लिखकर सही शब्द बनाओ अक्षरों को उचित क्रम में लिखकर सही शब्द बनाओ अक्षरों ने योग्य क्रम में लखी ने साचो शब्द बनाओ अक्षरों ने योग्य क्रम में लखी ने साचो शब्द बनाओ तो हमें नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं उस चित्रों को हमें पढ़ना देखना है सामने दिए गए शब्द को हमें उचित क्रम में बनाना है तो सौ प्रथम शब्द अपने जुए आ चित्र छे गाय नो आपने सामने शब्द आपवामां आवेल छे यगा तो नीचे तेनो साचो शब्द बनावीने लखवामां आव्यो छे गाय तो सौ प्रथम गा पछी य आवशे एटले के गाय तेना नीचे छे सूरज चित्र आपणने सूरजनो आपवामां आव्यो छे तो झ र सु आ शब्द आपणने आडावळो आपवामां आव्यो छे तेने आपणे सीधो शब्द बनावीने नीचे आपेली लाइनमां लखवानो छे नीचे आपेली खाली जग्यामां लखवानो छे तो झ र सु एटले के सूरज तो आपने लखवानु छे सूरज आ आपने लख्यु सूरज त्यार बाद छे बंदर आ चित्र छे वांदरानु बंदरनु चित्र छे आपने शब्द आपवामां आवेलो छे दंबर आ आपने आडावळो शब्द आपवामां आव्यो छे आपने तेने सीधो शब्द बनावीने लखशु बंदर आने कहेवाय बंदर बंदर त्यार बाद छे काडल एटले के आपणे बाळकनुं चित्र एटले के छोकरानुं चित्र आपवामां आव्युं छे आपणे काडल एटले के लड़का लड़का आ शब्द साचो बनी गयो त्यार बाद आपणे चित्र आपवामां आव्युं छे चूहा एटले के उंदरनुं तो आपने हा चू एनो साचो शब्द बनावानो छे चूहा चू हा त्यार बाद छे चश्मा एनक आने कहेवाय हिंदी मां एने एनक कहेवाय आपने शब्द आपवामां आव्यो छे न एक तो आपने साचो शब्द बनावानो छे एनक ત્યારબાદ છે આપણને પતંગનું ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે અને શબ્દ બનાવેલો છે ત પગ એટલે કે પતંગ આ બની ગયો સાચો શબ્દ પતંગ ત્યારબાદ આપણને ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે બકરીનું તો તેનો શબ્દ છે રીકબ એટલે કે બકરી આ શબ્દ બની ગયો સાચો શબ્દ બકરી त्यार बाद छे इमली तो आपने शब्द आप्यो छे मली अ तो तेनो साचो शब्द बनशे इमली त्यार बाद चित्र छे बगीचानो तो चागी ब तो तेनो साचो शब्द बनशे बगीचा बगीचा त्यार बाद छे तवाद तो साचो शब्द बनशे दवात त्यारबाद आपणने आपेलुं छे चकलीनुं चित्र तेने हिंदीमां तेने गोरैया कहेवाय आपणने शब्द आपेलो छे
रे या गो, तो आपने साचो शब्द बनावशु गोरैया। गोरैया फरीसी आ बधा शब्द जोईए आपणे। सौथी सौ प्रथम छे गाय, पछी सूरज, बंदर, लड़का, चूहा, एनक, पतंग, बकरी, इमली, बगीचा, दवात और गोरैया। आपने केटलाक शब्द आपवामां आव्या छे। चलो आ शब्द फरीथी आपणे जोई लईए। लड़का, गाय, इमली, चूहा, गोरैया, पतंग, एनक, सूरज, बकरी, बंदर, बगीचा और दवात। नीचे पण आपणे चित्र आप्या छे अने तेनी सामे तेमना नाम आपेला छे। सौ प्रथम गाय, सूरज, बंदर, लड़का, चूहा, एनक, पतंग, बकरी, इमली, बगीचा, दवात और गोरैया। तो आ आपणुं प्रकरण पाठ नंबर 5 शब्द बनावो पूर्ण थयुं। आ चलो आ प्रकरण आपणे फरीथी रिविजन करी लईए। शब्दो आपणे एकवार पाछा जोई लईए। सौ प्रथम छे आम, एसे एनक, असे अंगूर, ईसे इमली, एसे एक, असे अजगर, ईसे ईख, ओसे औरत, उसे उल्लू, ओसे ओखली, उसे ऊन, रूसे ऋषि। नीचे आपने चित्र आप्या छे, तेनी सामे तेना नाम आप्या छे। असे अजगर, आसे आम, ईसे इमली, ईसे ईख, उसे उल्लू और उसे ऊन, रूसे ऋषि, ऐसे एक, ऐसे एनक, ओसे ओखली, ओसे औरत, असे अंगूर। आगळ जोईए। पढ़ो और समझो, वाचो अने समझो। तो क से कलम, म से मगर, प से पतंग, र से रथ, र से रथ, थ से थर्मस, य से यज्ञ, ट से टमाटर, च से जग, ब से बस, न से नल, ट से ढकना, घ से घर, च से चरखा, ड से डफ, भ से भगत, फ से फल, ध से धनुष और ह से हल। नीचे दिया है दूसरा प्रश्न, खाली स्थान में उचित अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो और पूर्ण शब्द फिर से लिखो। खाली जगह में योग्य अक्षर लखीने शब्द पूरा करो अने पूरा शब्द फरीथी लखो। तो घ से घर, ब से बस, म से मगर, न से नल, ह से हल, र से रथ। त्यार बाद प से पतंग, ट से टमाटर, ढ से ढकना, ध से धनुष, ड से डफ, थ से थर्मस, झ से जग, च से चरखा, भ से भगत, क से कमल, य से यज्ञ और फ से फल। आगळ जोईए। पढ़ो और समझो, वाचो अने समझो। लड़का, गाय, इमली, चूहा, गोरैया, पतंग, एनक, सूरज, बकरी, बंदर, बगीचा और दवात। अक्षरों को उचित क्रम में लिखकर सही शब्द बनाओ। अक्षरों ने योग्य क्रम में लखीने साचो शब्द बनाओ। तो ग से गाय, प से पतंग, स से सूरज, ब से बकरी, ब से बंदर, ई से इमली, ल से लड़का, ब से बगीचा, च से चूहा, द से दवात, ए से एनक और ग से गोरैया। तो बाळको आ हतुं आपणो पाठ नंबर 5 અને આમાં કેટલાક શબ્દ આપવામાં આવ્યા હતા તે આપણે જોયા। હવે આગળ આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું।